जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीवी भारती समाचार न्यूज़ चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। रोजाना की तरह दैनिक जन्म राशि फल, आइए जानते हैं आज 12 राशियों का फल। सबसे पहले राशि आज की तारीख में आपको किसी काम में आपका धन अधिक खर्च व्यय हो सकता है और आपका दिन आज शुभ व्यतीत होगा। आप कहीं जाते हैं, श्री हनुमान जी के दर्शन करें, गुड़ खाएं या मछलियों को आटा की गोली बना करके डालें तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। दूसरी राशि है वृक्ष। वृक्ष राशि वाले व्यक्तियों को आपको यदि किसी प्रकार की स्वास्थ्य में गिरावट आती है या उलझनें आ जाती हैं प्रत्येक दिन में, तो आपको चाहिए कि आप बामी के पास में एक दीपक में दुग्ध रखें जिसको सर्प पी सके। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, आपको आज का दिन श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। कोई भी काम अटका हुआ सिद्ध संपन्न हो सकता है। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वाले व्यक्ति को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। स्त्री पक्ष से कलह की स्थिति बन सकती है। पांचवी राशि सिंह। सिंह राशि वाले व्यक्ति मानसिक तनाव, बेचैनी किसी बात को लेकर बढ़ सकती है। व्यापार मध्यम रहेगा, स्वास्थ्य आपका श्रेष्ठ रहेगा। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि वाले व्यक्ति आज आप अन्यत्र घूमने जा सकते हो, ऐसा मन में भाव विचार आ सकता है। आपकी भ्रमण की स्थिति बन सकती है, स्वास्थ्य आपका श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है, कोई वाहन भी खरीद सकते हो। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर कोई विशेष आज प्रभाव पड़ेगा या भूमि से संबंधित कोई लाभ प्राप्त होगा। नवम राशि धनु। धनु राशि वाले व्यक्ति आज आप कहीं घर परिवार वालों के साथ घूमने जा सकते हो। दसम राशि है मकर। मकर राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, स्वास्थ्य आपका श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। ग्यारहवीं राशि कुंभ। कुंभ राशि वाले व्यक्ति के लिए आपको आज के दिन अटका हुआ काम सिद्ध और संपन्न होगा। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वाले व्यक्ति आज आप कहीं कोई विवाह आदि या शुभ मांगलिक शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है, अथवा कोई आप अपने घर परिवार के बड़े दायित्व को पूर्ण रूप से निभा सकते हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीतामरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।